क्वेश्चन नंबर 12 है सबसे पहले, ठीक है बेटा। यस सर। मिसलिनियस एक्सरसाइज है आपका, एक्सरसाइज नंबर 8 ना, क्वेश्चन यस नंबर सर। 8 है। क्वेश्चन है, एट नहीं सर, वी आर बाउंडेड बाय द कर्व्स, है ना सर एट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, यस सर। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, ये ना। यस सर। एक्स वाई सच दैट वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यस सर। एंड वाई इक्वल टू मॉड एक्स, यस सर। ठीक है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे आपको इसका कर्व बनाना पड़ेगा। देखो ध्यान से देखो, इसको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व बनाना है आपको सबसे पहला काम तो, ठीक है। कर्व बनाना सीख गए तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। देखो कर्व बनाते हैं सबसे पहले, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व बन जाएगा आपका, पैराबोला टाइप का कर्व हो जाएगा। ये पैराबोला कर्व हो जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बना लो। ध्यान रखना वाई एक्स से बड़ा है, स्क्वायर से या उसके इक्वल है, ठीक है। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व आपका ये हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व हो जाएगा, है ना। इस हर एक पॉइंट पे आपका y जो मिलेगा एक्स स्क्वायर के इक्वल मिलेगा, इसके ऊपर का जो भी पॉइंट मिलेगा वो सारा क्या होगा, y ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर होगा। इसका मतलब हुआ कि y का जो एरिया हुआ, इस कर्व का जो एरिया हुआ, ये पूरा पूरा एरिया हो जाएगा। कौन सा एरिया हो जाएगा, ये पूरा पूरा एरिया हो जाएगा जो इस कर्व से इंक्लूड होता है, ठीक है। ये जो मैं येलो लाइन कर रहा हूँ पूरा ना, ये पूरा आसमान तक जहाँ जाना है इन्फिनिटी तक जाएगा ये, ठीक है ओके। ये सब का सब रिप्रेजेंट करेगा वाई ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर को, और जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर को, ठीक है। लाइन इज रिप्रेजेंटिंग वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और लाइन के ऊपर का जो येलो शेडेड रीजन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाई ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर को, ठीक है ओके। यस सर। ये जहां तक आपका कर्व जाएगा ऊपर, वहां तक ये पूरा जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें क्या है, वाई इक्वल टू मॉड एक्स की एक लाइन बनानी है। तो y इक्वल टू मॉड एक्स की लाइन आपको पता है कि इस तरीके से बनती है, ठीक है। y इक्वल टू मॉड एक्स की लाइन इस तरीके से बनती है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, मतलब इन दोनों कर्व्स के बीच के एरिया को फाइंड आउट करना है, मतलब इस वाली एरिया को आपको फाइंड आउट करना है ना ओके ठीक है। यस सर। ये वाले जो ग्रीन एरिया है इसको आपको फाइंड आउट करना है, तो इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या होगा, इस बार दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे तो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर लें, चाहे y एक्सिस के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर लें। तो उससे पहले ये कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो देखो इसमें y इक्वल टू x है, अगर y इक्वल टू x पुट अप करोगे तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा स्क्वायर में, यानी इस पॉइंट का जो आपका कोऑर्डिनेट होगा 1,1 होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1,1 होगा। तो 1 की +1 रखो चाहे -1 रखो, x की वैल्यू y की 1 ही आनी है ना। तो अगर x एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप एरिया निकालना चाहते हो, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप एरिया निकालना चाहते हो, ठीक है,
तो क्या करो, यहां से लेकर के 0 to 1 है ये, ये -1 to 0 है, यहां से लेकर के इस एरिया को निकाल लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस एरिया को, है ना। और इस एरिया के लिए आप ध्यान से देखो तो ये है आपका अपर बाउंड कर्व, है ना, क्या है अपर बाउंड कर्व, और ये क्या है लोअर बाउंड कर्व, है ना। मतलब इसका और एक्स एक्सिस के बीच में एरिया निकालोगे तो पूरा ट्रायंगल निकलेगा, और इस कर्व और एक्स एक्सिस का निकालो तो जो व्हाइट स्पेस दिख रहा है बीच में ये निकलेगा, तो पूरे ट्रायंगल से व्हाइट स्पेस को माइनस कर दो तो ब्लू कलर का जो एरिया आपको मिल जाएगा। यस सर। तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगी वो होगा 2 times आप 0 to 1, है ना, 0 to 1 अपर बाउंड कर्व। अपर बाउंड कर्व क्या है, y इक्वल टू मॉड x है, क्या है y इक्वल टू मॉड x है, ठीक है, ओके y इक्वल टू मॉड x है, और ध्यान रखना इसमें मॉड x प्लस हो जाएगा इस रीजन में, है ना। तो ये बन जाएगा y इक्वल टू मॉड x माइनस y इक्वल टू x स्क्वायर dx हो जाएगा, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। यस सर। ये 2 times इसको अलग कर दो, ये 0 to 1, ये x dx हो जाएगा माइनस x स्क्वायर dx हो जाएगा, 0 to 1 हो जाएगा, ब्रेकेट क्लोज कर दो, ये 2 times ब्रेकेट में x का x स्क्वायर बाई 2 बाहर कर दो, 0 to 1 इसका क्यूब हो जाएगा, 3 बाहर कर दो, एक्स क्यूब 0 to 1 हो जाएगा, है ना। इसकी वैल्यू पुटअप कर दो तो वैल्यू पुटअप करोगे तो 2 बाहर रह जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा अंदर, है ना, 1/2 -1/3 हो जाएगा, ये 3 - 1 आपका 1/6 हो जाएगा, है ना, सही है। यस सर। निकाल लो, 1/3 हो जाएगा, 2 into 1/6 स्क्वायर यूनिट हो गया ये, फाइंड दी एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स वाई, वाई ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है, ठीक है। ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, चूज द करेक्ट आंसर, द एरिया ऑफ द सर्किल एक्सटीरियर टू द पैराबोला। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द सर्किल, सबसे पहला काम क्या करना होगा अपने को, सर्किल बनाना होगा, सर्किल बना लेते हैं, ये सर्किल हो गई, सर्किल आपको दी जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, मतलब रेडियस इसकी 4 हो गई, है ना, 4 कॉमा 0
ये 0, 4, ये -4, 0 और ये 0, -4, ये आपका 0, 0 हो गए। ठीक है, एक्सटीरियर टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू, पैराबोला दिया आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू 6, 6। कहने का मतलब है इसमें से जो पैराबोला एरिया काट लेगा उसको छोड़ करके बाकी जो बचेगा वो पूरा का पूरा एरिया जो है आपको निकालना है। तो आप पैराबोला बना लो, इसपे ये पैराबोला होता है आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का है, तो 6x ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप इस पॉइंट का और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना, क्या निकालना, कोऑर्डिनेट निकालना, और आपको जो एरिया एक्चुअली में फाइंड आउट करनी है वो एरिया ये फाइंड आउट करनी है, मतलब जो पैराबोला ने काट के निकाल दिया उसके बाद जो बचा हुआ एरिया वो निकालना है, एक्सटीरियर एरिया निकालना है। क्या एक्सटीरियर एरिया निकालना है, तो निकालने का तरीका इसका एक ही हो सकता है कि आप पूरे पूरे सर्किल का एरिया पता है और उसमें से इस पैराबोला और एक्स एक्सिस जो सराउंडेड है उस एरिया को आप निकाल लो तो आपका काम हो जाएगा, है ना। यस सर। ठीक है, इस एरिया को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब इस एरिया को फाइंड आउट कैसे किया जाए ये सोचने वाली बात है, यही तरीका आपको सीखने की चीज है यहाँ पे। तो कैसे फाइंड आउट हो सकता है इसका एरिया, देखो इसको अगर मिला दूं मैं इस तरीके से तो आप ध्यान से अगर इसको देखो तो आप देखोगे कि जो पैराबोला है उससे आपको ये वाली एरिया में निकाली जा सकती है पैराबोला के हेल्प से, है ना। पैराबोला के हेल्प से ये वाली एरिया निकाली जा सकती है और बाकी जो बची वाली एरिया है वो आपको फिर से सर्किल के हेल्प से निकालनी पड़ेगी, है ना। तो देखो ध्यान से, क्या देखना ध्यान से इसमें, इसमें ध्यान से ये देखना है कि जो पैराबोला की लिमिट होगी इंटीग्रेशन के लिए वो 0 से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तक हो और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो आप सर्किल के रिस्पेक्ट में सर्किल का कर्व इस ये एरिया जो कौन कर रहा है आपको पाई, सर्किल का कर्व एक्स एक्सिस के बीच में है, है ना, और इस ऑर्डिनेट जो है आपके इस पॉइंट पे जा रहा है उसके बीच में है, है ना। तो यहाँ पे इन दोनों एरिया को निकाल के जोड़ लेना है, उसको सर्किल के एरिया से माइनस कर देना है, आपको आपका एरिया मिल जाएगा। ठीक है, ओके ओके सर। तो अगर मैं इनको नाम दे दूं, मान लेते हैं ये ओ दे दूं, मैं इसको पॉइंट का नाम दे दूं ए बी सी डी और इसको एम दे दूं, है ना। तो जो आपके रिक्वायर्ड एरिया होगी वो क्या होगी, जो क्वेश्चन को समझ में आ गया तो काम खत्म हो गया। रिक्वायर्ड एरिया होगी सर्किल के एरिया, सर्किल एरिया माइनस माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी डी, ठीक है ओ, है ना, माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी डी ओ। ठीक है, तो अब इसको सर्किल का एरिया आपको पता है कितना होता है, पाई ए स्क्वायर होता है, माइनस जो ये वाली एरिया है इसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा और ये आपको दो तरीके से निकलेगा। एक तो ये आपका पैराबोला वाले से है, तो पैराबोला वाले से अगर वाई निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6x हो जाएगा ये, है ना। तो अंडर रूट 6x dx हो जाएगा ये, प्लस ये आपका सर्किल दी हुई है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहां से वाई निकालोगे तो ये हो जाएगा 4² - x² का अंडर रूट, है ना। तो अंडर रूट 4² - x² dx और इसमें इसकी लिमिट रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो लिमिट रखने के लिए आपको क्या करना था, सबसे पहले आपको इन दोनों इक्वेशन को यानी पैराबोला और सर्किल को सॉल्व करना था। तो y² = 6x यहाँ पे पुटअप करके इसको आपको सॉल्व करना था, ठीक है, और सॉल्व करके इसके कोऑर्डिनेट को निकालना था। तो इसको करके सॉल्व करोगे तो आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो आएगा 2, 2√3, कितना आएगा 2, 2√3 एंड 2, −2√3, यानी एक्स की वैल्यू 2 आएगी और वाई की वैल्यू +−2√3 आएगी। ठीक,
कर लेना सर, या चाहो तो करके दिखा दो। ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस सिक्स हो जाएगा, यहाँ माइनस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, है ना? यस सर। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह सिक्स एक्स पुट अप कर दिया और इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्किल फोर है, ठीक है। एट एंड टू का फैक्टर बन जाएगा ये, है ना? ये एट एंड टू का फैक्टर बन जाएगा एक्स प्लस एट एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एक्स कॉमन ले लो तो ये एक्स प्लस एट बन जाएगा, माइनस कॉमन ले लो टू कॉमन ले लो तो ये भी एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो बन जाएगा। इससे आपको मिल जाएगा एक्स प्लस एट एंड एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। इससे आपको मिल जाएगा एक्स इक्वल टू टू एंड एक्स इक्वल टू माइनस एट, ठीक है। अब एक्स इक्वल टू माइनस एट है और टू है, एक्स इक्वल टू माइनस एट एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका रेडियस चार ही है, है ना? ओके, ठीक है। यस नॉट एक्सेप्टेबल, रेडियस चार ही, उसके बाहर आप जाके यहाँ तो करोगे नहीं इसको इंटरसेक्शन, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू टू आपने ले लिया, एक्स इक्वल टू टू ला करके यहाँ पे रख दोगे तो कितना हो जाएगा? ट्वेल्व हो जाएगा। ट्वेल्व का अंडर रूट लोगे तो वो आपका बन जाएगा टू रूट थ्री प्लस माइनस, ठीक है। बात समझ आ गई? तो इसकी लिमिट बन जाएगी जीरो से लेकर के टू रूट थ्री तक, सॉरी जीरो से लेकर के टू तक एक्स की वैल्यू आपको पुटअप करना है, और इसकी बन जाएगी टू से फोर तक, ठीक है। बस ये आपका हो गया, आप सॉल्व कर लो इसको, नोट कर लेना इसको नीचे वाला। यस सर। ठीक है, बस अब इसको इंटीग्रेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, हो जाएगा इंटीग्रेशन, या भी करके दूंगा। हो जाएगा, करो, कर लो फटाफट। यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्योंकि हम भी जो निकाल रहे हैं भैया, ये सिर्फ फर्स्ट हाफ का एरिया निकल रहा है, ठीक है। ओके, तो सर ये 4 बाय 3 इंटू 4 पाई प्लस रूट 3 आएगा। पूरा फाइनली हो गया सॉल्व? ये नहीं सर, सिर्फ इसका एरिया कर लो। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आया टोटल 4 बाय 3 इनटू 8 पाई माइनस रूट 3। नहीं सर, इसके अंदर नहीं, पूरा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर आ गया आपका कितना? 4 बाय 3 इनटू 8 पाई माइनस रूट 3, ठीक है। ओके, यस सर। ओके, आपको फाइंड आउट करने दी एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल टू cos x, y इक्वल टू sin x व्हेन x इज बिटवीन 0 टू पाई, है ना?
एंड वाई एक्सिस। तो सबसे पहले एक्सिस बनाते हैं, चूंकि जीरो टू पाई ही जाना है तो हमको नेगेटिव में जाने की जरूरत नहीं है, तो इसी पे काम चल जाएगा अपना। सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं, किसका, साइन एक्स का और कॉस एक्स का ग्राफ बनाते हैं। मान लेते हैं ये वैल्यू जीरो है, ये वैल्यू यहाँ पे पाई बाई टू है, यहीं तक हमको अपना ग्राफ प्लॉट भी करना है। तो आपको पता है कि जो साइन होता है उसकी पाई बाई टू पे वैल्यू वन होती है ना। तो ये मान लो कि ये आपका जीरो कामा वन पॉइंट है, ठीक है, तो ये आपका मैक्सिमम लिमिट बना देगा, यहाँ पे लाइन बना देगा ये, और पाई बाई टू पे ये यहाँ तक जाएगा साइन का कर्व, है ना। तो साइन का कर्व इस तरीके से यहाँ तक जाएगा, अब फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू होकर के नीचे आना स्टार्ट हो, तो आगे हमको चाहिए भी नहीं, हमको यहीं तक चाहिए, है ना। ये बन गया आपका वाई इक्वल टू साइन एक्स का कर्व। दूसरा आपको दिया है वाई इक्वल टू कॉस एक्स, आपको पता है कॉस जीरो पे वन होता है, पाई बाई टू पे जीरो होता है, ठीक है। तो अगर आप इसका कर्व ड्रा करोगे तो इस तरीके से बनेगा ये, ये कर्व हो गया आपका वाई इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका पाई बाई टू जीरो हो गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका जीरो कामा वन हो गया। क्वेश्चन है आपको फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस, बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस एंड दिस टू कर्व, इन दोनों कर्व वाई एक्सिस के बीच का जो एरिया, सिर्फ आपको वो फाइंड आउट करना है, बाकी कुछ नहीं फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि साइन और कॉस का इंटरसेक्शन जो होता है पाई बाई फोर पे होता है, तो आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, करना चाहो तो वाई साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स करके सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी, है ना। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, वाई एक्सिस पे जाएंगे तो वन बाई रूट टू हो जाएगा, और एक्स एक्सिस पे ये पाई बाई फोर हो जाएगा, है ना। वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, ये वन बाई रूट टू, और एक्स एक्सिस पे पाई बाई फोर हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब आपको ये करना है, तो इस कर्व को ध्यान से देखो, यहाँ से एक लाइन अगर ऐसे गिरा दो आप, तो आप देखोगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो y इक्वल टू कॉस एक्स है वो अपर बाउंड कर्व बन रहा है, और जो y इक्वल टू साइन एक्स है वो लोअर बाउंड कर्व बन रहा है, यानी कॉस एक्स के एरिया निकाल ली जाए और उसमें से साइन एक्स के एरिया माइनस कर दी जाए तो आपका आंसर मिल जाएगा। ओके सर, एक तरीका है, दूसरा तरीका और क्या हो सकता है, इसको नाम दे देते हैं ओ ए अगर मैं इसको कह दूं बी, काम चलेगा, कुछ कोई फायदा नहीं है। ओ ये अच्छा, यहाँ पे देखो एक छोटी सी बात छूट रही है, हेलो, एक छोटी सी बात छूट रही है, क्वेश्चन में था एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द वाई एक्सिस है, है ना। यस सर, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड वाई एक्सिस, ये आपको निकालनी है, ये वाली एरिया पूरी निकालनी है आपको। चलिए देखते हैं, दिस इज पॉइंट का नाम दे दो, ये ए बी के सी हो गया, इसका नाम दे दो एम, है ना। आपको साइडेड एरिया चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया चाहिए,
अब अगर मान लेते हैं कि हम पूरा पूरा इस एरिया को निकाल लें, किसको देखो, ओ ए बी सी है ना, क्या निकाल लें, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ठीक है, हम ओ ए बी सी क्यों निकाल लें यार, अगर हम यहां तक निकालते हैं। ओके देखो, हमको ये पूरा पूरा एरिया निकालना पड़े। देखो अगर हम सिर्फ यहां तक इसको ले जाएंगे, हेलो हेलो, अगर पाई बाय यस फोर सर, ले जाते हैं तो इस कर्व से सिर्फ इतनी एरिया कवर मिलेगी हमको, ठीक है। ये वाई इक्वल टू कॉस सिक्स को अगर हम 0 to π/4 तक ही ले जाएं मान लो, तो सिर्फ इतनी एरिया कवर मिलेगी इससे हमको, है ना। दिस विल नॉट कवर रिमेनिंग एरिया, ओके, दिस कर्व। तो क्या करो, आप पूरा का पूरा इस कर्व की पूरी एरिया निकाल लो, ओ ए बी सी निकाल लो, और इसमें से माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो, इस वाले एरिया को जो कि इस कर्व से कवर हो रही है, यानी कॉस एक्स वाले से, और इस वाले एरिया को जो कि साइन एक्स से कवर हो रही है ना। ये बन जाएगा ओ बी एम प्लस एम बी सी, है ना। ओ ए बी सी से माइनस कर दो ओ बी एम प्लस एम बी सी को, तो आपको जो है क्या मिल जाएगा, पूरी पूरी जो रिक्वायर्ड एरिया वो मिल जाएगी। इसको इंटीग्रेट कर दो तो पूरी एरिया वाई इक्वल टू कॉस एक्स से हो रही है, तो कॉस एक्स से डी एक्स हो जाएगा। लिमिट इसके 0 to π/2 है, कितनी है, 0 to π/2 माइनस है, ब्रेकेट लगा दो। ये वाली एरिया ओ बी एम जो है ये आपके साइन से कर्व बनी हुई है, 0 to π/4, ये आपका साइन एक्स डी एक्स हो जाएगी। अब प्लस ये π/4 से π/2 तक है, π/4 से π/2 तक है, किससे है, कॉस एक्स से है, ये बन जाएगी कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, सॉल्व करके बताओ, आपका आंसर आ जाएगा। कॉस एक्स का आपका जब करते हैं तो साइन एक्स हो जाता है, ये बन गया साइन एक्स, लिमिट हो गया 0 to π/2 माइनस, ब्रैकेट में साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस बाहर कर दो, ये 0 to π/4 हो गया, प्लस कॉस एक्स का फिर से साइन एक्स होता है, और ये π/4 to π/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 1 माइनस, ब्रैकेट में आ जाओ, यहाँ पे माइनस बाहर है, कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, और कॉस 0 की वैल्यू -1 होती है, प्लस साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, π/4 की वैल्यू -1/√2 होती है। इसको ओपन कर लो तो ये 1 माइनस, ब्रेकेट में सॉल्व कर लो पहले, तो ये -1/√2 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये -1/√2 हो जाएगा, है ना। यस सर, एक बार साइन को दोबारा से चेक कर लेना, कहीं मिस्टेक ना होने पाए, ठीक है। माइनस था, -1/√2 है, ठीक है। अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को जोड़ लो, तो देखो जोड़ करके ये 2/√2 हो जाएगा, कितना, 2/√2 यानी √2 हो जाएगा, और 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, है ना। तो ये 1 हो गया, यस सर, यस सर, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो +√2 हो जाएगा, √2 1/√2 1/√2 मिलकर के 2√2 बन जाएगा ना, वही इसको कर लो, सिंपलीफाई कर लो, 1 ब्रैकेट में ये हो जाएगा 2/√2, है ना, ये बन जाएगा +2, इसको बाहर निकाल दो, ये प्लस हो जाएगा 2/√2,
और ये माइनस होकर के, तो ये माइनस वन हो जाएगा, है ना? ठीक है, यस सर। सिंपलीफाई कर ले तो ये बन जाएगा अंडर रूट टू माइनस वन, आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, इसके बाद हम ऑर्डर और डिग्री की डिफिनेशन देखेंगे, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। चलिए डिफिनेशन लिखते हैं। लिखो एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व an equation that involves independent and dependent, that involves independent and dependent variables, independent and dependent variable with respect to, that involve independent and dependent variables and their derivatives, dependent variables and their derivatives. Yeah, directly to and the derivatives. And the derivatives of the dependent variables, of the dependent variables. With respect to independent variable, with respect to independent variable is called a differential equation, is called a differential equation. Example देखते हैं, जैसे डी वाई बाई डी एक्स, ये डेरिवेटिव हो गया, इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स लिख दिया जाए ये, ठीक है, ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, या इसको ऐसे लिखा जाए, डी वाई इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। इसको ऐसे लिखा जाए y इक्वल टू x डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए, ठीक है, ओके। यस, नोट कर लिया, एक मिनट सर।
ओके सर, एक टर्म आएगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसके डिफरेंशियल में लिख सकते हैं ए डिफरेंशियल इक्वेशन ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेट टू बी ऑर्डिनरी इफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट if the differential coefficients if the differential coefficients have reference to only a सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली ए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड it is said to be partial if there are two or more two or more dependent variables ठीक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस वो हैं जिनमें सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और पार्शियल वो होंगे जिनमें मोर देन टू होंगे यहाँ पे हमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पे फोकस करना है खाली ठीक है लेकिन डिफरेंशियल जानना चाहिए डिफरेंशियल जानने में कोई नुकसान नहीं ठीक है ओके एग्जांपल दोनों लेते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो अब इसमें देखो वाई एक्स ही है ना ठीक है एक्स ही आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ओके ठीक है तो ये क्या हो जाएगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमको इसी टाइप के इक्वेशन यहाँ पे बनाने हैं सॉल्व करने हैं ऑर्डिनरी डी ई हो जाएगा ठीक है दूसरे का एग्जाम्पल देखते हैं एक इक्वेशन आपको दिया हुआ डेवा वाई बाई डेवा एक्स प्लस डेवा एक्स बाई डेवा जेड या डेवा वाई प्लस डेवा वाई बाई डेवा जेड इक्वल टू जीरो आर डेवा एक्स अपॉन डेवा एक्स स्क्वायर प्लस डेवा जेड स्क्वायर अपॉन डेवा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये दोनों इक्वेशंस जो है ये है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन
पार्शियल डी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, मतलब वाई इंडिपेंड वाई एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पे हम, यहाँ पे आगे डी एक्स बाई डी वाई भी है, ठीक है? तो वाई वाज डिपेंडिंग ऑन एक्स, हियर एक्स इज डिपेंडिंग ऑन वाई, देन अगेन वाई डिपेंडिंग ऑन जेड, तो यहाँ पे मोर देन वन आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो ये क्या हो गया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। पार्शियल में क्या होता है, जब डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे होते हैं तो एक्स के जो बाकी टर्म्स होते हैं उनको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करके निकाल रहे होते हैं, इसलिए उसको पार्शियल कहा जाता है, ठीक है? ओके, तो अभी यहाँ करना नहीं है हमको, अभी यहाँ पे आइडेंटिटी पे फोकस करना है, इस पे ध्यान रखते हैं, ठीक है? और कर लिया, एक मिनट सर। सर इसमें जो आपने सेकंड और थर्ड वाली क्वेश्चन में लिखा है, ये अल्फा लिखा है कांस्टेंट जो है, ये इसको डेवा बोलते हैं, ये डेवा है, क्या बोलते हैं इसको, डेवा, ओके सर, डेवा डेल नहीं, डेवा बोलते हैं इसको, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स होता है, इसको डेवा कहा जाता है। हो गया सर, ओके आगे बढ़े, यस सर, लिखते हैं डिग्री एंड ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले ध्यान रखना ऑर्डर होगा, जिसके फेवर में ऑर्डर उसी की डिग्री, ठीक है? ऑर्डर एंड डिग्री, आप डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है? द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट highest differential coefficient occurring in it Yes, sir. एक एग्जांपल देखते हैं, अगर आपको इक्वेशन दिया हुआ है f x y d पावर m y d पावर x m पावर p plus 5x comma y d power m minus 1y
upon d power dx power m minus 1 power q plus dot dot equal to 0. तो इसका आर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर वैल्यू कितना हो जाएगा? जो हाईएस्ट पावर डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, तो m m माइनस 1 से बड़ा होगा, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? m हो जाएगा. ठीक है, ओके, यस सर. डिग्री क्या हो जाएगी? जिसका ऑर्डर उसी का डिग्री. ठीक है, जो डिग्री आपके डिफरेंशियल इक्वेशन कोई चीज एक्सप्रेस आर कैन बी एक्सप्रेस, एक्सप्रेस्ड आर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए पॉलिनोमियल इन द डेरिवेटिव ठीक है, ध्यान रखना ये डिग्री तभी निकलेगी आपकी जब आप डेरिवेटिव्स को पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएं, अगर नहीं कर पाएंगे तो डिग्री नहीं निकलेगी. ठीक है, ओके, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज एक्सप्रेस आर कैन बी एक्सप्रेस इज पॉलिनोमियल इन द डेरिवेटिव इज the degree of is the degree of the highest order derivative. Highest order derivative. Occurring in after it has been expressed in a form free from radicals and fractions. अगर कहीं पे fractions हैं या radicals हैं तो क्या करेंगे उनको? उनको square करके या जो कुछ भी करना पड़े करके उनको हम eliminate करेंगे. As far as derivatives are concerned, ठीक है, तो ऊपर वाले इक्वेशन में अगर आपको डिग्री बताना है तो आप डिग्री बता सकते हैं, जिसका आर्डर था उसी का पावर डिग्री हो जाएगा. देखो इसका पावर पी है तो इसका डिग्री वन हो जाएगा, है ना. तो अगर सपोज करें दिस इज इक्वेशन वन, तो डिग्री ऑफ इक्वेशन वन कितनी हो जाएगी? पी हो जाएगी. यहाँ पे तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है. पहली बात ये है कि जो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको पॉलिनोमियल के टर्म में एक्सप्रेस करना है,
दूसरी बात ये है जितने भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है उनका पावर जो होना चाहिए वो रेडिकल से फ्रैक्शन से फ्री होना चाहिए, और तीसरी बात जिसका ऑर्डर ज्यादा होगा उसी का पावर आपकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं और फिर समझ में आएगा और अच्छे से। नोट कर लिया? यस सर। एक क्वेश्चन है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स पावर 6 है, इसका पावर 1/4 है। अब क्या करना है आपको, इसका ऑर्डर और डिग्री बताना है। तो देखो ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस ही है, कोई इशू नहीं। तो देखो सबसे पहले तो इसका ऑर्डर तुरंत बता सकते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर 2 हो जाएगा। लेकिन डिग्री बताने से पहले ये अंडर रूट है, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, 1/4 है। तो क्या करो, इसको 4 टाइम्स कर दो दोनों तरफ से स्क्वायर, ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पावर 4 हो जाएगा। ये बन जाएगा वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स पावर 6 हो जाएगा, है ना। अब आप इसका डिग्री निकाल सकते हैं, तो इसकी डिग्री 4 हो जाएगी, एंड डिग्री कितनी हो गई इसकी, 4 हो गई। यहाँ पे डिग्री निकालोगे तो डिग्री 1 दिखेगी, लेकिन वो सही नहीं है। ठीक है, बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। ये है आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1/ डी वाई बाई डी एक्स। अब आपको इसका ऑर्डर और डिग्री बताना है, दोनों क्या बताना है, ऑर्डर और डिग्री बताना है। तो देखो ऑर्डर तो तुरंत निकल जाएगा आपका, तो क्या आप देख रहे हैं कि पूरे क्वेश्चन में सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स है, फर्स्ट ऑर्डर है। लेकिन डिग्री निकालने के पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अभी पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं है ये। तो इसको लाके इधर मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, है ना, प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। अब इसकी डिग्री निकल जाएगी, क्योंकि पॉलिनोमियल के फॉर्म में आ गया, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, यस सर। नोट कर लिया? यस सर। अगला क्वेश्चन देखें? यस सर। अगला क्वेश्चन है, ई पावर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसका ऑर्डर तो निकल जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे डी क्यूब वाई सबसे बड़ा पावर है ना ऑर्डर, तो ऑर्डर तो इसका 3 निकल गया। लेकिन चूंकि पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है ना, दिस इक्वेशन कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर कुछ भी हो सकता है, ये इस तरीके से इनको एक्सप्रेस किया जाए। पी एक्स आपको एक्स के पावर में घटते बढ़ते पावर में होने चाहिए पूरे, है ना, डॉट डॉट डॉट, दीज आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। पी जीरो प्लस पी वन प्लस पी टू दीज आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ओके, ठीक है, इसमें yes, ई पावर पी नहीं आ जाना चाहिए। ओके, यस सर। तो सिंस दिस इक्वेशन कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स इट्स डिग्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना। यस सर, लिख लो यहाँ पे लैंग्वेज में क्लियरली,
लिख लो, तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड फॉर एवर इक्वेशन, डिग्री इज नॉट डिफाइंड एज इट कैन नॉट बी रिटेन एज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव. डिग्री इज नॉट डिफाइंड एज इट कैन नॉट बी रिटेन एज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव. And hence it cannot be expressed as polynomial of derivatives. Cannot be written as? Cannot be written as polynomial equation in derivatives. Cannot be written as a polynomial equation in derivatives. Okay. And hence it cannot be expressed as polynomial of derivatives. ठीक है, एक और क्वेश्चन हो. साइन इनवर्स डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई. ठीक है, देखो ऑर्डर तो इसका तुरंत निकल जाएगा, है ना, ऑर्डर तो निकल जाएगा क्योंकि मैक्सिमम ऑर्डर डीवाई बाई डी एक्स का है, तो ऑर्डर तो वन हो गया. लेकिन डिग्री निकालने से पहले इसको सिंपलीफाई करके देखो, यहाँ पे साइन में तो इसका पावर नहीं बना पाओगे ना, तो इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करना पड़ेगा. आपको लिखना पड़ेगा डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, है ना. अब ये लिखने के बाद में आप इसकी डिग्री बता सकते हो, डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, वन हो जाएगी. ऑर्डर भी वन हो गया, डिग्री भी वन हो गया. ओके, समझ आ गई? यस सर. एक और क्वेश्चन देखते हैं. आपको दिया हुआ एल एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, तो ऑर्डर की समस्या है नहीं, ऑर्डर निकल गया है ना, लेकिन डिग्री निकालने के लिए इसको पॉलिनोमियल के टर्म में लिखना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो इसको करोगे तो बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बन जाएगा ई पावर ए एक्स प्लस डी वाई. समझ आ गया? अब ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, वन. यहीं पे अगर ये e के पावर आपका डी वाई बाई डी एक्स बना होता तो आप नहीं कर सकते थे. देखो डिफिनेशन में पीछे चल के देखो क्या लिखा हुआ है, कि जो डेरिवेटिव्स है उनको आपको पॉलिनोमियल बनाना है. ठीक है, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन एज फार एज डेरिवेटिव्स आर कंसर्न. क्या है, इन इट आफ्टर इट हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म फ्री फ्रॉम रेडिकल्स. ठीक है, क्या है, पॉलिनोमियल्स इन डेरिवेटिव्स लिखा हुआ है, एक्स वाई नहीं लिखा हुआ है. ठीक है, पॉलिनोमियल्स इन द डेरिवेटिव्स लिखा हुआ है खाली. ओके, ये बच्चा यहाँ पूछ सकता है सर यहाँ पे तो ई पावर ए एक्स प्लस बी वाई आ गया तो कैसे निकाल लिया हमने, तो पॉलिनोमियल्स इन डेरिवेटिव्स होना चाहिए. ठीक है, ओके सर, लैंग्वेज बहुत क्लियर लिखी हुई है. ओके, यस सर. चलिए तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लें या कल कंटिन्यू करें, कल करें. ठीक है, बाय सर. आप क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज जो है आपका